नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड से रिलेटेड, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा एक नया अपडेट जारी कर दिया गया। यानी कि अगर आपका भी आधार कार्ड बनाए हुए 10 साल या 5 साल पुराना हो चुका है, आपके पास भी ऐसा मैसेज आया है, अगर नहीं भी आया तो आपको ये काम करा लेना है। आपको हम जानकारी के लिए बता दें, ये काम तो अभी मुफ्त में हो रहा है, यानी सीमित समय तक तय कर दिया गया। इतने समय तक अगर आप कराते हैं तो आपको एक भी पैसा नहीं देना है, और इस समय के बाद अगर कराते हैं तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो आपको अभी मुफ्त में हो रहा है तो मुफ्त जल्द से जल्द करा लेना है। अगर आपके पास भी ऐसा मैसेज नहीं आया तो भी आप करा लीजिएगा, अगर आया है तो आपको ही कराना है। तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में लाइव हम खुद अपना ही करके हम आपको दिखाने वाले हैं किस तरह से आपको आधार कार्ड में आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करना है। तो चलिए देरी के बिना करते हैं वीडियो का, वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आप भी आधार कार्ड यूज करते हैं अभी तो काम हो जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में कोई सी योजना से रिलेटेड अगर आपका पैसा आता है, चाहे कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड, मतलब आधार कार्ड कहीं पे देंगे तो मान्य नहीं होगा, यानी कि रद्द कर दिया जाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं करा लेना है डॉक्यूमेंट जो भी अपडेट, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है कराना, क्योंकि ऐसा नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है UDI द्वारा। तो चलिए कैसे आपको अपडेट कराना है इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम आपको प्रोसेस बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों अपडेट करने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है माई आधार। जिससे सर्च करेंगे तो आपको इस पर क्लिक कर देना, फर्स्ट वाला लिंक आपको दिखलाई देगा। इस तरीके से आपको फर्स्ट वाला लिंक पर ही क्लिक करना है, अगर कहीं नहीं करना है आपको उस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे माई आधार का ऑफिशियल पोर्टल पर चलेंगे, जहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डिस्क्रिप्शन हमने लिंक दे रखा है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे इस वाले वेबसाइट पर चलेंगे, जहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार का ऑप्शन मिलेगा। यहीं पर देखेंगे तो दिस सर्विस 14 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं, यानी फ्री में। अब यहाँ पर बताया किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है और किस तरीके से सबमिट वगैरह करना है, इस पर बताया जाए। क्लिक टू सबमिट का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, जहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है। अब यहाँ से भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आएंगे तो लॉगिन का ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से 14 दिसंबर तक दिया गया, तो क्लिक टू सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करना है, माई आधार के ऑप्शन पर डालना है, अपना आधार नंबर डाल दीजिएगा। हम सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ब्लर किए हैं, आप अपना आधार नंबर डालकर उस पर जो दिखलाई देगा, नीचे की देखेंगे तो कैप्चा दिखलाई देगा। अलग अलग प्रकार के आपको कैप्चा डाल देना है, अगर कैप्चा अगर अच्छी तरह से डाल दीजिएगा, अगर आपका कैप्चा गलत हो जाता है तो वहाँ पर भी क्लिक करके कैप्चा बदल सकते हैं। चलिए हम कैप्चा डालते हैं, हो सकता है गलत भी हो जाता है कभी कभी, तो आपको घबराना नहीं है। जैसे हम सेंड OTP का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा कैप्चा गलत हो गया, देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर फिर से दोबारा जो नया कैप्चा वो डालते हैं, उसके बाद सेंड OTP का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे सेंड OTP का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल जुड़ा होगा उस मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। OTP आपको 56 अंक का होगा, आपको OTP डाल देना इस तरह से जाकर, ठीक है। जो भी आपका OTP गया होगा OTP डाल दीजिएगा इसमें, उसके बाद लॉगिन का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। चले हम सारा प्रक्रिया करके उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। यहाँ से OTP जो भी होगा हम OTP यहाँ से डाल देते हैं और उसके बाद लॉगिन करते हैं। जो भी हमारा OTP आया होगा, हमारा मोबाइल नंबर भेज दिया होगा, जो भी आधार कार्ड से जो भी लिंक है आपका मोबाइल नंबर उस पर OTP गया होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर नहीं लिंक है तो आप ये नहीं कर सकते, आपको यहाँ से लॉगिन कर देना। हमने OTP डाल दिया, लॉगिन करने के बाद जैसे लॉगिन करेंगे तो आपको डिस्प्ले पर इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाए, जहाँ पे दिखलाई देगा ऑब्जेक्टिव ऑफ डॉक्यूमेंट अपडेट सर्विस का ऑप्शन दिखलाया, जहाँ पे देख सकते हैं फ्री में आप कर सकते हैं 14 दिसंबर 2023। हिंदी में हम कर देते हैं, उसके बाद बताएगा दस्तावेज अद्यतन सेवा उद्देश्य क्या क्या रखा गया है। तो बताएगा आपको तो सलाह दी जाती है कि न्यूनतम पहचान पत्र PI की और पता प्रमाण पत्र के दस्तावेज जमा करने, आपको डाटाबेस में दस्तावेज अपडेट करने के, आपकी अपना आधार कार्ड के इस तरीके से ऑप्शन दिएगा। दस्तावेज में विवरण अपने आधार कार्ड उल्लेखनीय विवरण से मेल खाना चाहिए, यानी जो भी आप दस्तावेज अपडेट करेंगे तो आपके जो भी नेम वगैरह से आपको मेल खाना चाहिए, नहीं कि आप दस्तावेज जो भी अपडेट मांगा गया तो आपको उस दस्तावेज में अलग नाम है और अपडेट आप कुछ और करें, तो ऐसा ना करें। जो भी आपका नाम सही तरीके से होना चाहिए और इस तरीके से यानी पूरा आपको एक बार कंडीशन पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अगला के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, आदि आपको पूरा तरीके से आपको जो भी इसका कंडीशन पढ़ लीजिएगा। अगले के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है इसमें बताया गया, या किस प्रकार से काम करता है, तो अच्छी तरह से आपको इस पर पढ़ लीजिएगा। या पहचान प्रमाण पत्र PI और पते के पहचान प्रमाण पत्र दस्तावेज करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे, चरण में आपको इस तरीके से बताएगा। तो अगला का ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, जैसे क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड से फैचिंग कर लेगा आपका डिटेल्स, नाम, मेल, डेट ऑफ बर्थ, इस तरीके से आपका एड्रेस वगैरह दिखलाई देगा। तो आपको देख लेना अच्छी तरह से, यहाँ से समझ लीजिएगा आपका डिटेल्स, तरीके से आपका पूरा एड्रेस दिखलाई देगा इस तरीके से। नीचे की ओर करेंगे तो आपको यहाँ से दिखलाई देगा मैं सत्यापित करता हूँ या चैनल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे अगले के ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिएगा,
उसके बाद आपको सत्यापित करना है, जहाँ पे दस्तावेज अपलोड करने के दिशा निर्देश दिया गया है, यानी कि 2 MB से आपका ऊपर नहीं होना चाहिए, जो भी जीपीजी पीएनजी फाइल में आपका होना चाहिए, ठीक है ना। आपने जो भी दस्तावेज अपलोड करना है आपका, तो सबसे पहले यहाँ पर कृपया पहचान प्रमाण पत्र के रूप में आपको क्या देना चाहते हैं, तो जिस इस पर क्लिक करेंगे तो यानी कि आपको पहचान के प्रूफ के तौर पर क्या क्या देना चाहते हैं, जैसे पैन कार्ड भी दे सकते हैं, आपको पासपोर्ट ज़्यादा दे सकते हैं, पासपोर्ट वगैरह, उसके बाद यहाँ से राशन कार्ड वगैरह दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, अलग अलग प्रकार से डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिया गया है आपको, जो भी आपके पास इस पर क्लिक कर दे। हम पैन कार्ड दिया है, पैन कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं हमने पैन कार्ड, उसके बाद आपको पीडीएफ फाइल अपने फाइल से ले लेना है, उसके बाद अपलोड करने का जारी रखने के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने कंप्यूटर से नहीं तो अपने मोबाइल से आपको अपना जो भी पैन कार्ड है आप अपना पैन कार्ड पीडीएफ फाइल में कर लीजिए कन्वर्ट, उसके बाद अपलोड का ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो हमारे जो भी पैन कार्ड है सफलतापूर्वक अपलोड हो गया। इस तरीके से इंटरफेस दिखलाई देगा, अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा। उसके बाद नीचे की रहेंगे तो प्रमाण पत्र के यानी कि आपको रूप में देना पड़ेगा, प्रूफ के तौर पर क्या देना चाहते हैं, कृपया पते के प्रमाण पत्र यानी एड्रेस प्रूफ के तौर पर, तो आपको जो भी है आपके पास राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, जो भी है, पैन कार्ड तो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, तो आपको पासपोर्ट अगर आपके पास है तो दे सकते हैं, हम राशन कार्ड दे रहे हैं, आप भी अगर राशन कार्ड है तो आप दे सकते हैं। राशन कार्ड देने के बाद आपको अपने फाइल से उस पर क्लिक कर सेम प्रोसेस है, उसके बाद आपको राशन कार्ड आपको अपलोड कर देना है, ओपन का ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, अगर मोबाइल से करें तो, और सिस्टम करें तो ओपन का ऑप्शन क्लिक करके इस तरीके से करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस होगा। उसके बाद इस पर क्लिक करके टिक आउट कर दीजिएगा जो भी टर्म्स कंडीशन पढ़कर, उसके बाद अगला के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, उस पर ठीक है के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर पढ़ लीजिएगा क्या पॉपअप ओपन होगा, क्या कृपया पुष्टि करके दस्तावेज आपके जनसंख्या के विवरण के आधार पर जनसंख्या के विवरण के बिल्कुल मेल खाता है। उसके बाद जैसे उस पर क्लिक करें तो इस तरीके से ऑप्शन आएगा, यानी प्रिय निवासी यह खाता आपको यानी 4 दिसंबर तक निःशुल्क है, 4 दिसंबर 2023 निःशुल्क आपको 1 रुपया नहीं देना है। उसके बाद अगला का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, यानी कुछ सेकंड आपको ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा, और जहाँ पर लेन देन की तिथि बताएगा, सफल हुए भुगतान की तिथि बताएगा और रकम आपको 0 रुपया दिखलाई देगा। कुछ दिन के बाद अगर आप करेंगे 14 दिसंबर के बाद आपको वहाँ से पैसा देना पड़ेगा। आप यहाँ से फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी है इसका नॉलेज वगैरह दिया गया, आधार नंबर, पेमेंट स्लिप क्या है, अब इस तरीके से इसको डाउनलोड करके रख भी लीजिए, क्योंकि इसमें एक रेफरेंस नंबर दिया गया है जहाँ से आप ट्रैक कर पाएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस पर भी कर सकते हैं। आपको एक बार ये प्रिंट डाउनलोड कर लीजिएगा अच्छी तरह से, अपना मोबाइल फ़ोन में GST वगैरह दिया गया है, GST नंबर वगैरह हर चीज़ दिया गया है, तो फिलहाल यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपको अपने डैशबोर्ड का ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ से आप करेंगे तो आपको आधार कार्ड से रिलेटेड आपको दिखलाई देगा, नीचे की ओर करेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा अलग अलग प्रकार के। तो दोस्तों आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपडेट किया उसका स्टेटस देखना चाहते हैं तो आपको फिर से लॉगिन करके यहाँ पे आएंगे तो अनुरोध का ऑप्शन देख लेते हैं, यानी जो भी आपने अपडेट किया है डॉक्यूमेंट इस तरीके से आपको दिखलाया देगा, सेवा में क्या किए हैं क्या नहीं किए, हमने इंग्लिश में करके दिखलाया दे, देख सकते रिक्वेस्टेड में आपने क्या भेजा है, तो सर्विस नाम दिखलाई देगा, उसके बाद डेट किस डेट को भेजा है किस डेट तक, और उसके बाद आपको स्टेटस में दिखलाई देगा वेरिफिकेशन स्टेटस, यानी इस तरीके से ऑप्शन दिखलाई देगा, और भी यहाँ से देख सकते हैं रिज्यूम में अभी बाकी, यानी वेरिफिकेशन प्रक्रिया हो जाने के बाद आपको आगे की प्रक्रिया होगा, तो इस तरीके से यहाँ से भी आप स्टेटस देख पाएंगे कि आपको आपने अभी अभी जो क्या किया, एंड जो भी आपने आधार कार्ड में कुछ भी अपडेट करेंगे तो नीचे की ओर आपको रिक्वेस्ट में ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और यहाँ से भी देख सकते हैं जो भी है आपका आधार कार्ड से रिलेटेड बहुत सारा अपडेट आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए हम गो डैशबोर्ड का ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, यानी आपने सफलतापूर्वक जो भी है अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया है, अब यहाँ से बहुत सारा आपको मतलब सर्विसेस मिल जाता है जहाँ पर आपके आधार कार्ड से रिलेटेड आप कुछ डिटेल्स देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।